हाय एवरीवन, हेलो, दिस इज पारुल रस्तोगी। मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ ऑरिफ्लेम के साथ, एंड आज आपको एक साथ लाइव सेशन लेने जानी हूँ एक मेकअप डेमो पे। लेडीज को बहुत अच्छा लगता है खूबसूरत दिखना, मेकअप करना, सो हम जरूर सीखेंगे कुछ मेकअप टिप्स और मेकअप डेमो की कैसे हम और ज्यादा खूबसूरत दिख सकते हैं। तो उससे पहले थैंक्स करना चाहूंगी शॉपर्स दरबार की टीम को, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया आपसे मिलने का और आपको कुछ बताने का और हमें प्रेजेंट करने का। सो अपनी टीम से भी मिलवा देती हूँ। सो यहाँ पर है मेरे साथ प्रीति। मेरा नाम प्रीति गुप्ता है और मैं एक प्राउड ऑरिफ्लेम मेंबर हूँ और जल्दी ही मैनेजर सी क्वालिफाई करने वाली हूँ। नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय टीम, मिस शिवानी। दिस इज शिवानी एंड मैं ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स लास्ट 7-8 ईयर्स से यूज कर रही हूँ, बट क्योंकि इस बार मुझे मेंबर बनने का मौका मिला है तो फ्रॉम लास्ट 1 मंथ मैं मेंबर हूँ ऑरिफ्लेम की एंड आई एम लाइक मेरा एक्सपीरियंस बेस्ट है। आई एम शालू रस्तोगी, मैं भी ऑरिफ्लेम की बहुत टाइम से प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे लगे। स्किन केयर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो पहले मैं भी ऑर्डर किसी के और के माध्यम से ही लेती थी, पर अब मैंने ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया है और मैं अपने प्रोडक्ट खुद ऑनलाइन लेती हूँ। तो अब मैं चाहूंगी कि मैं आगे इसे कंटिन्यू करूँ एज ए बिजनेस, देखते हैं कितना आगे जाते हैं। यस ऑब्वियसली शालू, कुछ ना कुछ हम अचीव करेंगे ही और करते भी आ रहे हैं। टीम में बहुत सारे प्राउड लीडर्स हैं जो आज डायरेक्टर हैं, मैनेजर्स हैं, मेरे साथ बहुत जल्दी सीनियर मैनेजर बनने वाले हैं और एक अच्छी हाइट्स ले रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड हम आज बात करेंगे मेकअप की। सो मेकअप हर लेडीज को बहुत पसंद आता है। सो मेकअप से पहले जरूरी है बहुत अच्छी स्किन होना, जो कि ऑरिफ्लेम में स्पेशल हमारे पास लॉयल्टी है स्किन केयर की। तो बात करेंगे यदि मेकअप की, तो आपका मेकअप उतना ही खूबसूरत लगता है जितनी खूबसूरत आपकी स्किन है। सो कल हमने कुछ स्किन केयर टिप्स दिए थे, तो जरूर आपसे बताना चाहेंगे कि आप स्किन के लिए तो अपना केयर करें ही, रूटीन केयर स्किन की यदि आप करते हैं तो डेली में खूबसूरत लगते हैं विदाउट मेकअप भी। बट हाँ, यदि पार्टी में जाना है, आपको किसी से मिलना है, कुछ भी है, सो कोई भी विदाउट रीजन आपको का हक है मेकअप करना। सो कलर्स से वैसे भी लेडीज को बहुत प्यार होता है, कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं उन्हें, सो ऑब्वियसली मेकअप करना हमारा अधिकार है, जिसके बारे में हम आज बहुत कुछ जानना देखना चाह रहे हैं। क्या सोचते हो आप प्रीति मेकअप के बारे में? आई लव मेकअप एंड इट्स एनहेंस माई ब्यूटी, इवन किसी की भी ब्यूटी मेकअप एनहेंस कर देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है आपको आउटर वर्ल्ड में सबके सामने अच्छे से प्रेजेंट होने का। और एक वुमन के लिए तो मेकअप इज लाइक अ ज्वेलरी, जो कि उसको हमेशा वियर करके रखना होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक डेमो। और आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमें से कुछ लेडीज वर्किंग भी हैं, कुछ हाउसवाइफ भी हैं, कुछ टीचर्स भी हैं और कुछ अपना बिजनेस भी करते हैं। सबको मॉर्निंग में जल्दी होती है, किसी को अपने बच्चों को भेजना होता है, किसी को ऑफिस जाना होता है, किसी को अपने शॉप पे जाना होता है। तो हाउ वी कैन डू मेकअप इन 15-20 मिनट्स एंड लुक ग्रेट, सो लेट्स एंजॉय द सेशन। क्या सोचते हो शिवानी मेकअप के बारे में? आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। आई एम बी एक्साइटेड। या सो मेकअप हम दिखाने जा रहे हैं आज आपको कुछ ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स से। कल प्रोडक्ट की बात की, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड की बात की, आई थिंक आप लोगों ने हमें कनेक्ट किया ही होगा कल जब हम मिले थे। सो प्रोडक्ट्स बहुत ब्यूटीफुल है, बेसिकली नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज किए जा रहे हैं, स्पेशली कन्वर्टेड है साइंटिफिकली, लैब में टेस्टेड है, एक R&D सेंटर है कंपनी के पास जहाँ पर हमें बहुत ही सेफ प्रोडक्ट दिए जाते हैं। हर चीज को पहले क्लिनिकली और कंज्यूमर पे टेस्ट किया जाता है, देन ये प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं। ऑरिफ्लेम में बहुत बड़ा रीजन है कॉस्मेटिक्स से प्यार करने का मुझे ऑरिफ्लेम के, कि ये कभी भी रिएक्ट नहीं करते और डेली यूज के लिए बहुत ही अच्छे हैं। लाइक आपने कुछ कुछ आर्टिकल्स देखे होंगे जो हम इग्नोर कर देते हैं अक्सर, वो आर्टिकल्स क्या होते हैं कि कई बार लिपस्टिक में लैग मिला, स्क्रब में प्लास्टिक बीड्स मिले, या फिर आपके फाउंडेशन इतने ज्यादा स्टिकी है कि वो ऑक्सीजन भी नहीं ब्रीथ कर पाती स्किन, तो ये सारे चीज होने की वजह से। बट जब मैं ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स यूज करती हूँ तो ये इतना लाइट टेक्सचर, इतना बढ़िया ऑसम लुक देता है और फील इतना अच्छा है, लाइक कभी भी ईचिंग बर्निंग कुछ फील नहीं होती। तो हमेशा मेरे को लगता है कि ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स इज द बेस्ट फॉर मेकअप, रूटीन मेकअप, डेली मेकअप आप लेते हो तो कोई भी आपको ये दिक्कत नहीं है कि आप आगे आपकी स्किन को कोई हार्म करेंगे। सो हम एक मेकअप डेमो स्टार्ट करेंगे आज। मेकअप डेमो के लिए हम प्रीति को चूज करने जा रहे हैं। इट्स माय प्लेस सीरियसली, प्रीति के साथ
साथ हम देखेंगे और आई थिंक हमारे फ्रेंड्स काफी सारे कनेक्ट हो गए हैं, सो मैं चाहूंगी और लोग भी कनेक्ट हो जाएं। जो लोग कनेक्ट हो गए हैं वो अपनी फ्रेंड्स को टैग कर सकते हैं, उन्हें लगता है वो भी इंटरेस्टेड हो सकती हैं ऐसे सेशन में। तो हम 2 मिनट्स का टाइम लेंगे उन्हें बैंड बांधने में, फिर आप अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट कर सकते हो। यस, तो हम के आप स्पेक्स को रिमूव कर दीजिए प्लीज। और आपको अच्छे से विजिबल हो सके कि हम लोग फेस पे क्या ख्याल रखते हैं। हम एक एप्रेन कर लेते हैं क्योंकि हमने ड्रेस पे पार्टिकल्स जिससे हमारे नागे ने। सो फर्स्ट स्टेप क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप है हमें फेस को क्लीन करना। अभी जैसे प्रीति भी आई है अपने घर से मेरे घर तक आई है, सो कुछ ना कुछ पॉल्यूशन, कुछ डस्ट पार्टिकल, कुछ इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। सो हम यूज़ करेंगे फेस पे सबसे पहले एक माइल्ड क्लींजर। इस क्लींजर को हम थोड़ा सा ही लेंगे अपने हाथ पे, जस्ट इसके कुछ ड्रॉप्स लेनी है एंड देन हमें स्प्रेड कर देना है क्लींजर को। Wow, I love the fragrance. Yes. So, ये क्रीमी क्लींजर है ओरिफ्लेम की से ही, जस्ट मैंने स्प्रेड किया ये। It is too refreshing. So, ये आपकी स्किन को क्लीन कर देता है, आपकी स्किन को ये मॉइस्चराइज भी कर देता है थोड़ा सा। एंड देन मैं किसी कॉटन बॉल से रिमूव करना चाह रही हूँ। फेस क्लीन हो गया है, लिपस्टिक ऑलरेडी प्रीति ने लगाई ही है यहाँ पर, सो लिपस्टिक को भी क्लीन कर देंगे हम अभी क्योंकि हमें बाद में अपना लिप शेड लगाना होगा दूसरा। अकॉर्डिंग टू मेकअप या सो मिसरिन वाटर है हमारे पास जो कि मेकअप क्लीनर की तरह यूज होता है, आजकल बहुत ट्रेंड है मिसरिन वाटर। सो लिपस्टिक या आई मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है ये, सो मैं लिपस्टिक रिमूव करने के लिए थोड़ा सा मिसरिन वाटर ले रही हूँ। मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, मेरा तो बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है। सो ये लिपस्टिक को क्लीन करने के लिए हल्का सा फेस तैयार है बिल्कुल मेकअप करने के लिए। सो फर्स्ट स्टेप हमने क्लीनिंग की, देन हम क्या करेंगे, हम फेस को मॉइस्चराइज करेंगे। डे टाइम है तो एक SPF को भी अप्लाई करेंगे थोड़ा सा। सो हमारे पास एक यहाँ पर नोवेज की डे क्रीम है जिसमें SPF 15 भी है, आप देखेंगे ये हमारे पास डे क्रीम मैं यूज़ करने जा रही हूँ उनके फेस के लिए, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज तो करती ही है साथ में SPF यानी सन प्रोटेक्शन भी दे रही है। सो आपको बहुत थोड़ी सी क्रीम लेनी है आपको इसके ड्रॉप्स बनाने हैं फेस पे। आप देखेंगे जो हेड प्रेशर है ये मेरा बहुत लाइट है फेस पे, बहुत प्रेशर से कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजीली लगाना है एंड देन आप जैसे स्प्रेड। सो अभी हमारा फेस रेडी है बिल्कुल मेकअप के लिए, आप देखेंगे मॉइस्चराइज हो गया है स्किन। सो ये तो है फर्स्ट 2 स्टेप्स जहाँ पर आपने क्लीनिंग की और एक मॉइस्चराइजर अप्लाई कर दिया है इसमें, तो स्मूथ हो गया है फेस एकदम। नेक्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे प्राइमर। सो मैं यहाँ यूज़ करने जा रही हूँ द वन का पोर मिनिमाइजर प्राइमर, ये ओरिफ्लेम के थ्रू ये है हमारे पास द वन पोर मिनिमाइजर प्राइमर। यदि आप ये देखेंगे तो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर होता है इसका एंड इसको लगाने के बाद हमारे पोर विजिबिलिटी भी फेस पर कम हो जाती है। बहुत ही कम क्वांटिटी में ये आपको लगाना है, जब आप लगाते हैं तो फिर आपको वही ड्रॉप्स के वे में लगाना है। ये 3 जोन पे कवर करेंगे क्योंकि पोर की
जो विजिबिलिटी होती है वो प्री जोन पे ही ज़्यादा होती है, या आपने प्री जोन कवर किया आपने पूरा, एंड देन इसको आउटर की साइड आपने जस्ट स्प्रेड कर दिया। लेकिन आप टेक्सचर देखेंगे तो ये बहुत ही स्मूथ टेक्सचर में है हमारे पास प्राइमर, और बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है इस प्राइमर का। एंड नाउ फेस इज रेडी फॉर द बेस। सो आप देख रहे हैं कि मेन काम जो किया जा रहा है वो फेस बेस पे ही किया जा रहा है। आपका 80% टाइम जाता है अपना बेस तैयार करने में फेस का, एंड देन 20% इज फॉर कलर्स, यानी आई शेडो और हमारे लिप्स कलर। सो अभी बिल्कुल रेडी है ये, फॉर स्मूथ फील होना है बहुत ज़्यादा। कि बेसिक क्या होता है हमारे प्राइमर का यूज़, प्राइमर हमें एक प्रोटेक्शन देता है, हमारी स्किन पे एक लेयर आ जाती है जिससे कि फाउंडेशन हमारे पोर्स पे नहीं जाता है, हमारी स्किन को बेटर स्मूथर कर देता है, इवन स्प्रेड करता है हमारे फाउंडेशन को। यदि हमने प्राइमर पहले यूज़ किया हुआ है तो फाउंडेशन बहुत बेटर स्प्रेड होगा। सो ये सब और साथ में ही पोर भी फॉर्म कर रहा है। देन अभी हम बात करेंगे फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन इज सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे मेकअप का। सो बेस्ट कलर होना चाहिए और बेस्ट फाउंडेशन होना चाहिए, तभी हमारा मेकअप उससे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मैंने प्रीति के कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग दो कलर चूज़ किए हैं। यहाँ पर एक फेयर न्यूड है दबन का, जो एवरलास्टिंग फाउंडेशन है, एंड मिक्स एंड मर्ज करने के लिए साइड्स जहाँ हल्की टैन स्किन है वहाँ पर बेज कलर यूज़ करने जा रही हूँ मैं, जुरानी गोल्ड का और ऑरिफ्लेम का फाउंडेशन। सो इसको मैं थोड़ा थोड़ा दोनों को ले लूँगी अपने हाथ पे। सो एक शेड आप देखेंगे थोड़ा लाइटर है और एक शेड डार्कर है। सो हमेशा परफेक्ट मैच लीजिए फाउंडेशन का। फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लाइट नहीं होना चाहिए आपके स्किन से, या बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए। मैं सर जब आप फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन एक टोन लाइटर दिखनी चाहिए। हमें सबको पसंद है फेयर दिखना, बट इतना भी फेयर ना हो कि वो हमें विजिबल होना शुरू हो जाए। सो मैं लाइटर शेड है वो यूज़ कर रही हूँ टी जोन पर डैप डैप करके। सो हम इसको ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं या फिर अपना स्किन पर डैप कर सकते हैं। ब्रश सबके पास अवेलेबल नहीं होते हैं सो इसलिए मैं मोस्टली आपको फिंगर की हेल्प से दिखा रही हूँ। मैंने पूरा टी जोन कवर करना स्टार्ट कर दिया है फाउंडेशन लगाते हुए। अभी लाइट शेड से ही टी जोन कवर हो रहा है। सिर्फ मैंने अभी अप्लाई किया है, स्प्रेड नहीं किया है। देन एक डार्कर शेड जो कि जुडानी गोल्ड में मैंने नेचुरल बेज शेड किया है, इसको आप यूज़ करेंगे सीजन में। मैंने आउटर एरिया पे जहाँ पे एक लिटिल डार्कर होती है हमारी स्किन में, अभी क्या करना है क्योंकि ब्रश से जब हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन तो जस्ट हमें स्प्रेड करना होता है डाउनवर्ड्स, एंड मैं इसको भी स्प्रेड ही करने जा रही हूँ। आप देखेंगे जस्ट मैंने कुछ भी नहीं किया है, केवल स्प्रेड ही कर रही हूँ, कुछ अप्लाई नहीं करना है आपको डाउनवर्ड, सिर्फ लाइट ब्रश की तरह से जैसे आप ब्रश यूज़ करते हैं फेस पर उस तरह से आपको डाउनवर्ड से यूज़ करते चाहिए। सो ब्रश कई बार अवेलेबल नहीं होता और आज हम डेली मेकअप ऐसा मेकअप सिखा रहे हैं जो आप सब लोग अपने पास ले सकें इजीली। सो उसके लिए हम आपको सिखा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ब्रश यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। अदरवाइज इट्स प्रोफेशनल एंड इट्स बेटर परफॉर्म कि आप ये भी यूज़ करते हैं ब्रश। एक ब्यूटी ब्लेंडर है हमारे पास जिसकी हेल्प से मैं इसी को स्प्रेड करने जा रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर एक छोटा सा फोम होता है जो कि यस, सो ये दिस इज़ द ब्यूटी ब्लेंडर। ये हमारे पास आता है मार्केट में भी इजीली अवेलेबल रहता है, ओरिफ्लेम का ब्यूटी ब्लेंडर है। अब मुझे सिर्फ इसको मैंने क्या किया हुआ है, गीला करके जस्ट सोक किया हुआ है डिप करके, तो ये स्लाइटली वेट है एंड इसको मुझे डैप डैप करते जाना है फेस पे जस्ट। आप देखेंगे फाउंडेशन को किसी क्रीम की तरह अप्लाई नहीं किया गया है, या आपने जस्ट किया क्या है कि हम यूज़ करा फाउंडेशन देन स्प्रेड कर दिया एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम डैप डैप करते जा रहे हैं फेस पे, और बहुत अच्छे से ये मर्ज भी होते जाता है। देखिए आप कंफर्टेबल हो ना? यस आई एम कंफर्टेबल एंड आई एम एंजॉयिंग दिस सेशन।
It's my pampering day, guys. से ये ब्लेंड होता जा रहा है हमारा फाउंडेशन और इसलिए स्किन में मर्ज भी होता जा रहा है बहुत अच्छे से. एंड आप देखेंगे स्किन टोन भी हमारी हाइड नहीं हुई है, स्किन टोन अच्छे से विजिबल है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जाता है हमारे फेस का बेस तैयार करने में. ये बेस जितना खूबसूरत होगा मेकअप उतना ही नेचुरल और अट्रैक्टिव दिखेगा. तो आईज पे भी थोड़ा सा कवर कर लिया है, आईज का पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी. तो बेस बिल्कुल रेडी है हमारा. देन हम यूज करने जा रहे हैं कॉम्पैक्ट जो कि आपके फाउंडेशन को स्टे देता है और ज्यादा फिनिश्ड लुक दिखता है आपके फेस पे. सो एक कॉम्पैक्ट से पहले मैं एक हाईलाइटर की तरह से आप थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट करने जा रही हूँ टी उसको टी एरिया को टी जोन को. सो यदि बात करें तो अंडर आई हमने थोड़ा सा ये लगाया है एक्स्ट्रा जो कि हम बाद में रिमूव भी कर देंगे. टी जोन पर मैं देने जा रही हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा. आप पूरी स्किन को कभी भी फोकस नहीं करेंगे कि सेम टोन में आए. सेम टोन में आएगी तो पूरा फेस एक ही लुक का दिखेगा, जबकि हमारी नेचुरल स्किन टोन ऐसी कभी भी नहीं होती है. तो आपने जस्ट एरिया हाईलाइट किया है. आई मेकअप का नंबर है. सो आई मेकअप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है. हमारे पास ओरिफ्लेम में कुछ नए शेड्स लॉन्च हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छे ऑफर में भी है, डिस्काउंट में भी है. ये ओरिफ्लेम के आई शेड्स हैं जो कि इस बार ट्रेंडी पैकिंग में मिनी पैकिंग में हमारे पास अवेलेबल है. एक बहुत खूबसूरत पैलेट भी है जो आप अवेल कर सकते हो एज ए गिफ्ट ओरिफ्लेम में. सो अभी मैं ये यूज़ करने जा रही हूँ क्योंकि परचेज करना, लेना और कनेक्ट करना हमसे बहुत ईजी है. तो इसी को आपको डेमो में दिखाने जा रही हूँ. सो एक गोल्डन शेड अकॉर्डिंग टू डे टाइम. सो आप देखेंगे बहुत ही ईजी है मेकअप यूज़ करना. आप पे ब्रश नहीं भी है तो मैं आज आपको वो मेकअप दिखा रही हूँ कि आपको ज़्यादा ब्रशेज की रिक्वायरमेंट नहीं है. मैंने थोड़ा सा फिंगर टिप पे ही लिया है. सेंटर से हमेशा स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप एजेस से स्टार्ट करेंगे तो स्प्रेड करना ईजी नहीं होता है. सेंटर से स्टार्ट करेंगे एंड देन एज पे जाएंगे. बहुत ही खूबसूरत पीची और गोल्डन मिक्स कलर है ये जो कि मैं डे टाइम के लिए देने जा रही हूँ. शिमरी शेड भी है थोड़ा सा एंड देन डे टाइम में ऑकर्ड भी नहीं लगता है. आई शेडो की ब्लेंडिंग आप इतनी अच्छे से करेंगे उसका लुक उतना ही अच्छा आए. सो नेचुरल शेड है बिल्कुल. अपने ऑफिस में और अपने स्कूल में और पार्टीज में हर कोई चाहता है कि वो थोड़ा नेचुरल ही दिखे. शादी वगैरह में तो हमें डार्क मेकअप की जरूरत होती है, बट नॉर्मल हमें डेली में नॉर्मल मेकअप की जरूरत होती है. सो अभी ब्लेंड कर दिया है आईज पे अच्छे से. आई बॉल आपकी कवर होनी चाहिए यहाँ पे. आपकी ये बेसिक आई बॉल होती है सो ये आपकी पूरी कवर रहनी चाहिए. मैं थोड़ा सा इसमें मर्जिंग करूँगी एक डार्कर शेड की जो कि मैं पैलेट से एक शेड ले रही हूँ. सो सेम आई शेड को लगना थोड़ा टिपिकल होता है. सो हम एक आउटर साइड से इनको डार्क स्मोकी लुक देंगे. सो इस पैलेट में एक डार्क ब्राउन कलर है आप देखेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है गोल्डन के साथ. सो मैं इससे हल्की सी आउटिंग करके वी बनाया मैंने यहाँ पर जस्ट. मैंने इसको मिक्स कर दिया है आउटर साइड गोल्डन के साथ एंड आउटर से मिक्स करते हुए जो हल्का सा मेरे ब्रश में रह गया है उसको मैंने ऊपर से कवर कर दिया है जिससे कि मर्जिंग इक्वल लगे एंड दोनों कलर सेपरेट कर दें. तो हम बनाएंगे एक बी जैसे कि मैंने पहले बताया एंड देन जो बेस्ट पार्ट रह गया उसी को जस्ट स्प्रेड करते हुए मिक्सिंग कर देंगे. सो आई शेड्स अप्लाई हो गए. देन हमारा आता है नंबर लाइनर का.
सो लाइनर में मेरा फेवरेट है लिक्विड लाइनर, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। डबल में एक आता है लिक्विड लाइनर, वहीं पे इजी टू अप्लाई है हमारे पास एक स्केच पेन लाइनर। स्केच पेन लाइनर जो है हमारे पास लाइक किड्स आर्ट की तरह ही है, जैसे बच्चों को आउटिंग करना सिखाया जाता है उतना ही ईजी है इससे लाइनर लगाना। सो लिक्विड लाइनर की जगह आज मैं इसको यूज़ करने जा रही हूँ। सो स्केच पेन लाइनर हमारे पास इस मंथ में बहुत अच्छे ऑफर पे भी है, एंड आप देखेंगे कि भले ही स्केच पेन लाइनर है बट शेप इसकी स्केच की है, एंड आगे से इसका जो टिप होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसके यदि मैं स्वेचेस दिखाऊँगी, वाटर प्रूफ लाइनर है, बहुत ही ईजीली एप्लीकेबल है। सो लाइनर को भी हम सेंटर से ही स्टार्ट करते हैं, तो मैंने सेंटर से उठाया है और स्टार्ट करा है, एंड देन मैं कॉर्नर बनाऊँगी आइस से मिलाते हुए। आपका लाइनर हमेशा लैशेस से टचिंग रहना चाहिए, कभी भी गैप नहीं होना चाहिए उसमें। सेम ही हम यहाँ करने जा रहे हैं। आप देखेंगे मैं फिंगर से स्ट्रेच कर रही हूँ, एक पोर्शन ये एंड देन दिस वन। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करेंगे, देन आप जाएंगे। सो लाइनर लग गया है हमारी मॉडल के, एंड देन हम काजल अप्लाई करेंगे। आई मेकअप में फोर्थ ही है वो काउंट करें तो काजल है। काजल में मैं यूज़ करने जा रही हूँ हाई इम्पैक्ट पेंसिल, जो कि बहुत ही फेमस है। ये डिटेक्टेबल स्मूथ डिफाइनर टाइप होती है। सो दो कलर्स है मेरे पास जो कि दोनों ही मेरे बहुत फेवरेट है। ब्लैक तो हमें चाहिए ही होता है, बट हमारे पास इसमें गोल्डन कलर भी है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। लास्ट मंथ ही हमारा न्यू लॉन्च था। सो काजल के अंदर से आपने कई बार देखा होगा बड़ा सुंदर सा शेड आता है। सो मैंने आई शेड ऊपर गोल्डन दिया है, तो उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए थोड़ा ब्रॉड गोल्डन लुक दे दूंगा पहले आईज में। सो जस्ट ही अंडर आई लगाया है थोड़ा सा काजल की तरह से, और कुछ थोड़ा सा ब्रॉड पोर्शन लिया है काजल से थोड़ा ज्यादा। डे टाइम में इसलिए हमने लाइट कलर यूज़ किया। आप देख रहे हैं कि मैं गोल्डन ब्राउन्स इस टाइप की शेड ले रही हूँ, जो कि स्किन से मैच हो जाते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं हमारे फीचर्स को, तो वो इजी होता है। देन हमें काजल यूज़ करने जाना है सेम रेंज का, जो कि ब्लैक शेड में है। सो काजल मैं इधर लाइनर से मैच करते हुए स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमने साइड से ब्राउन और अंदर से फिर उतना ही हल्का लगाना शुरू कर दिया। आप ऊपर देखो, तो काजल हमारी ब्यूटी को हमारे फीचर्स को एनहेंस करता है। सो काजल बहुत मस्त है लगाना। सो नेक्स्ट स्टेप है मस्कारा। सो मस्कारा लगाते हुए कभी कभी हम डर जाते हैं। ऑरिफ्लेम का मस्कारा बहुत यूनिक होता है। यहाँ पर मैं यूज़ करने जा रही हूँ डबल का, ये वंडर लैश डबल एक्सल मस्कारा है, जो कि लैशेज को आपके बहुत अच्छे से कर्ल करता है, वॉल्यूम भी देता है लैशेज में, एंड ये वाटर प्रूफ भी है। सो हमारे मस्कारा बेसिकली होते हैं वैक्स बेस्ड। इसके जो कंटेंट होते हैं वो कभी भी लिक्विड बेस नहीं होते। कितनी बार हमें कंप्लेंट आती है कि मस्कारा में कंटेंट ही नहीं है, बट ये क्या होता है, ये आपके लैशेस को एट द टाइम कर्ल तो करते ही हैं, साथ में नरिश भी करते हैं। आपकी लैशेस ड्राई नहीं होती हैं, इन्हें आप डेली भी यूज़ करते हैं और गिरती भी नहीं है, तो बहुत सेफ है। एंड इसका एप्लीकेटर जो है उतना ही कंटेंट आता है जितना आपको रिक्वायर्ड है। सो मस्कारा के लिए पहले मैं लैशेज के बाहर की साइड से स्टार्ट करूँगी, कर दूंगी।
थोड़ा सा लगाया है रहने में, कर्व कर छूटने चाहिए बहुत इजी, आप आराम से लेश को ट्राई कर सकते हो। आउटर्स के जो कुछ हेयर्स होते हैं उनको भी दिखाइए। सो ये हैवी नहीं फील होता है आपको बस खाना वाली फिल्म का बिल्कुल भी, और बहुत ही लाइट होता है और क्विक ड्राई भी होते हैं। आप देख सकते हैं एकदम आइस खोली है, बट मेरा मेकअप इससे फ्लैट नहीं हुआ है। थोड़ा ऊपर कर लीजिए, ऑलरेडी प्रीति की लैशेज बहुत सुंदर है एंड कर्व करते ही और ज़्यादा खुश हो। आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, देन लिप्स की बात करेंगे। लिप्स में यदि हम बात करते हैं तो हमारी लिपस्टिक कंप्लीट होती है ब्लू शेड्स के साथ। जहाँ पर मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो एक लिप लाइनर, कोरल शेड में लिप लाइनर देने जा रही हूँ, क्रेयॉन यूज़ करने जा रही हूँ। तो अभी जैसे मेकअप की बात करी तो हमारे पास स्केच पेन्स थे, हमारे पास कुछ क्रेयॉन्स हैं, तो और फिर मेकअप इज लाइक किड्स मेकअप, बहुत ही ईजी और कम्फर्टेबल है। आप आराम से नहीं भी आता तो इजीली यूज़ कर सकते हैं, फाइलिंग बहुत अच्छे से हो जाता है। तो एक शेड यूज़ किया है मैंने यहाँ पर लिप लाइनर का, जो कि कोरल रोज है। ये लिप लाइनर्स रिट्रेक्टेबल आते हैं, इन्हें शार्प नहीं करना पड़ता, बहुत ही स्मूथ होते हैं। लिप लाइन कैसे डिफाइन करनी है, बेसिकली यदि लिप्स आपके बहुत पतले हैं तो आप थोड़ा सा आउटर पे लिप लाइन डिफाइन कीजिए, यदि लिप्स बहुत ब्रॉड है तो इनर लेते हुए ही कीजिए, बट लिप्स एरिया को छोड़िए नहीं। तो अभी हम एक एक्स बनाएंगे यहाँ पर, ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर हमने एक्स बना दिया है, एंड देन हम यहाँ से आउटर से थोड़ा सा लेके चल रही हूँ प्रीति के यहाँ लिप्स को, एंड देन उन्हें शेप कर दिया है हमने। बेसिक बेनिफिट क्या होता है, लिप लाइनर लगाने से आपकी लिपस्टिक का स्टे बढ़ जाता है। यदि आपके पास लिपस्टिक लॉन्ग स्टे वाली नहीं है तो आप इसको एज ए बेस फिल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अपर लिप पे किया है, एंड देन लिप डिफाइन बहुत अच्छे से होते हैं और आपकी लिपस्टिक की लास्टिक को ही बढ़ा रहे हैं। एक क्रेयॉन यूज करने जा रही हूँ, लिपस्टिक का भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमें बेस को फिर से टच करना है, कॉम्पैक्ट हमें लगाना है। ब्रिटानी गोल्ड का एक कॉम्पैक्ट है हमें बस, जो कि बहुत ही लाइट टेक्सचर है, बहुत ही अच्छा फील करता है, टेक्सचर भी लाइट है, आपकी स्किन इम्प्रेशंस को हाइड नहीं करता है और इसका ग्लो बहुत ही अच्छा आता है। सो हम कॉम्पैक्ट को पैड से नहीं लगाते, ब्रश के यूजेस से लगा रहे हैं। फिर हम ब्रश को जस्ट रोटेट करेंगे, इसको फ्राइन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन अप्लाई कर देंगे डाउनवर्ड। अभी स्टेप्स बाकी हैं, हमारा मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यदि मैं बात करूँगी मेकअप की तो ब्लश ऑन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे मेकअप में। सो डे टाइम है अकॉर्डिंग टू हमारे पास ब्लश ऑन की शेड्स भी बहुत खूबसूरत हैं हमारे पैलेट में, जहाँ पर पिंक है, ब्राउन है और एक रोज़ कलर है हमारे पास। सो मैं रोज़ कलर से थोड़ा सा ब्रश को ट्विस्ट करते हुए ये वाला शेड देने जा रही हूँ चिप्स पर। एक लाइट टोन हल्का शिमर वाला किसी के लिए
स्मूथ दोनों प्रोडक्ट्स कर रही हूँ। आते भी पॉल पूरा लेंथ में होना चाहिए, स्प्रेड आउट आउटर साइड होना चाहिए। बहुत सारी लेडीज की क्वेरीज होती है कि जब हम लोग ब्लशर यूज करते हैं तो हमें उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए, तो उसमें मेरे कुछ टिप्स हैं। आप अपने फेस को ऐसे कीजिए, यहाँ पर एक आपको एक अपनी हड्डी फील होगी, आप इजीली अपनी फिंगर से टैप करके देख सकते हैं, वहां से आपको स्टार्ट करना है और डाउनवर्ड्स लेके जाना है। सेम इधर आप इसको फील कीजिए और डाउनवर्ड्स लेके जाइए, आपका ब्लश हमेशा परफेक्ट बैठेगा और आपके फेस को स्लिम लुक भी देगा। सो लिटिल हाईलाइट कर देते हैं, फिर हाईलाइटिंग हल्का शिमर फेस पे हम स्प्रेड करने जा रहे हैं जो कि आपको ग्लो देगा। तो ये है मेकअप के कुछ टिप्स जहाँ पर हमने कुछ डूज डोंट सीखे। थोड़ा सा मार्जिन हम करने जा रहे हैं, यदि हल्का ज्यादा फ्रीज हो सकता है तो फिर हम पॉपेट के साथ पीस को मर्ज कर देंगे। तैयार है पार्टी में जाने के लिए एकदम परफेक्टली। सो हम लोग कर देते हैं, अभी हमारा एक पोर्शन एक चीज और रह गई है जो कि पार्टी के लिए बहुत ही मस्ट है, सो दैट इज आवर फ्रेग्रेंस। तो बहुत ही जरूरी है फ्रेग्रेंस अप्लाई करने को। सो एक फ्रेग्रेंस और ऐड करने जा रही हूँ, अपनी मॉडल से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो खरीद जाए एक बार। तो फ्रेग्रेंस हम यूज करते हैं अपने नर्व सेल्स पे जहाँ जहाँ वेंस होती है, कभी भी मर्ज नहीं करते इनको। एंड देन शी इज रेडी पार्टी, आई एम रेडी फॉर पार्टी। सो थोड़ा क्लोज देख लेते हैं प्रीति को, मेकअप को देख लेते हैं। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी टिप्स जानना चाहते हैं या प्रोडक्ट के लिए कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, राइट सजेशंस चाहते हैं प्रोडक्ट्स पे, तो हमारी टीम आपके लिए अवेलेबल है। आप जरूर कनेक्ट कीजिए हमसे। एंड इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, शाम को जरूर मिलेंगे ढेर सारे प्रोडक्ट्स के साथ, उनके रिव्यू के साथ, उनके स्वेचेस के साथ, और बहुत सारी बात करेंगे ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स की यूनिक यूनिक है। सो ऑल द बेस्ट, कनेक्टेड रहिए, शाम को मिलते हैं फिर से। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय एवरीवन, बाय।